अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गाजियाबाद में अपने नाजायज रिश्ते को जिंदा रखने के लिए एक बेटी ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल कवि नगर इलाके में 9 मार्च को महिला पुष्पा का शव मिला। मामले की कार्यवाही के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि महिला की नाबालिग बेटी लक्ष्मी का अपनी ही टीचर निशा गौतम से नाजायज रिश्ता था। मां ने जब इस लेस्बियन रिश्ते का विरोध किया तो गुस्से में आकर बेटी ने रॉड से वार कर मां को मौत की नींद सुला दिया। देखिए 9 तारीख को कविनगर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। उन्हीं की बेटी के ऊपर आरोप उसमें लगा था। मामला जब प्रकाश में आया तो पता चला कि वह लड़की जो बेटी थी और उनकी एक महिला मित्र थी, दोनों की संज्ञान में मामला था। उस वजह से कुछ उनकी दोस्ती की वजह से कुछ मदर उस पर आपत्ति करती थी, तो इसी बात पर दोनों के रिलेशन थोड़े ख़राब हो गए। तो एक दिन गुस्से में आकर उस बेटी ने ही अपनी माँ के ऊपर रॉड मारकर हत्या कर दी। तो उस बेटी को और उनकी जो महिला मित्र हैं दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने खूनी बेटी और उसकी महिला टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। न्यूज़ ब्यूरो।